सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो गाइज वीडियो लेकर के आया हूँ मैं, वो है अपनी पल्सर 220F के ऊपर। अब 2023 में भी इस बाइक को बजाज बेच रही है और इसमें जो अब इंजन मिलता है वो BS6 फेस 2 वाला इंजन रहने वाला है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 220F। और यहाँ पर हमें अब मिलता है E20 का फ्यूल सपोर्ट। तो अब ये गाड़ी जो है वो 20% इथेनॉल पे अपना पेट्रोल आने वाला है उसको सपोर्ट करेगी, और 2023 में ये अभी तक आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी की तो की जो है यहाँ पर वो कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। सिंपल सी की है, बढ़िया ये बाइक मुझे लगती है शुरू से। तो की को लगाते हैं बाइक में और सारे चेंजेस की बात करेंगे, क्या क्या इसमें चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले की को लगा लेते हैं बाइक में। जो मीटर कंसोल है उसमें कुछ फीचर्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं बजाज की तरफ से, लेकिन जो उसका फिजिकल ओवरव्यू है वो सब सेम रहने वाला है, बस फीचर बढ़ा दिए हैं और कोई यहाँ पे नया मीटर वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। फ्रंट से बात कर ले तो इसका फ्रंट लुक काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर हमें लुक मिल जाता है देखने को। तो इसकी बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले इसमें आप लोग देख लीजिए वाइज़र, जो वाइज़र है वो अपना ब्लैक कलर का रहने वाला है और इसी पे हमें यहाँ पर बजाज का अपना स्टिकर टाइप लोगो देखने को मिल जाएगा जो कि 3D में रहने वाला है। साइड में बात करूँ तो वाइज यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है फुल ब्लैक में, और इसमें और भी कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं और ये फिनिश वगैरह है काफ़ी बढ़िया है। स्टिकर मिल जाते हैं, एयर वेंट्स मिलते हैं हम लोग को लाइट्स के बराबर में, तो जो एयर इनटेक है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है इस बाइक का। हेडलैम्प की बात करूँ तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्टर रिफ्लेक्टर डुअल सिस्टम में हम लोग को लाइट मिलती है। नीचे की तरफ है अपना प्रोजेक्टर और ऊपर की तरफ है अपना रिफ्लेक्टर। तो हाई बीम लो बीम है वो इसमें दोनों यहाँ पे मिल जाती है हमें। दो पार्किंग लाइट जो कि हेलोजन रहने वाली है, और जिसमें बात कर लो इस साइड में हमें मिल जाता है एयर इनटेक। फ्रंट का लुक काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल लुक है, लेकिन ये जो बाइक है जिस प्राइस सेगमेंट में इसको लॉन्च किया गया है काफ़ी बेहतरीन बाइक यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसकी इंडिकेटर्स की, तो गाइस यहाँ पे जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं वो अपने हेलोजन बेस हैं, ओल्ड शेप के इंडिकेटर्स रहने वाले हैं यहाँ पे, कोई चेंजेस नहीं रहने वाला अपने इंडिकेटर में। तो ये था इसके इंडिकेटर के बारे में। अब बात करता हूँ इसका सस्पेंशन के बारे में, तो काफ़ी वाइड यहाँ पर सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सस्पेंशन पर ही हमें मिलता है अपना रिफ्लेक्टर, और जिसमें हम लोग को डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। जो ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर दिया गया है वो ABS वाला हो चुका है, अब तो ABS यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। और डुअल पिस्टन का डिस्क ब्रेक है, डिस्क प्लेट का साइज़ भी मुझे ठीक लग रहा है। अब बात करें फ्रंट टायर की, तो यहाँ पे C8 का टायर दिया गया है, रिम है अपना ब्लैक कलर का, रिम पे रहने वाली है रेड स्ट्राइप। टायर साइज़ जो है यहाँ पे 90x17, तो टायर साइज़ थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकती थी बजाज, जैसे ही थोड़ी सी और हैवी और बल्की लुक यहाँ पे प्रोवाइड कर देती। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका एग्जिट साइज़ जो है 90x17। यहाँ पे C8 का ट्यूबलेस टायर है, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर लुक्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट मडगार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे हमें मिल जाता है कार्बन फाइबर जैसा ट्रीटमेंट, जो कि एक स्टिकर का पार्ट रहने वाला है, और साइड में जो ये ग्लॉस अपने मडगार्ड रहने वाला है, और उसके साइड में मिल जाएगी अपने को रेड स्ट्राइप, जो कि इसको काफ़ी एक स्पोर्टी लुक देता है। कार्बन फाइबर जो फिनिश इसमें दी गई है काफ़ी जगह यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। फ्रंट लुक कुछ बाइक का इस तरीके से है। अब बात करते हैं गाइस इसकी साइड से, तो यहाँ पे जो इसकी जो अपने एक्सटेंशन है टैंक एक्सटेंशन वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा जाली वाला काम देखने को मिलता है, पल्सर का 3D लोगो रहने वाला है टैंक के ऊपर। अब बात करते हैं इसके टैंक की, तो टैंक गाइस आप लोग देख सकते हैं मस्कुलर से टैंक है, टैंक पेड यहाँ पर हमें मिलता है। अब टैंक पेड पर भी हमें मिलती है कार्बन फाइबर जैसी फिनिश, जो कि इस बाइक में आप लोगों को बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश हमें देखने को मिलती है। अब यह है पल्सर का 3D लोगो जो कि सिल्वर में रहने वाला है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ये लोगो का फॉन्ट वगैरह यहाँ पे है। न्यू स्टिकर के साथ आती है ये जो रेड है, अपने को रेड भी इसमें डिफरेंट रेड देखने को मिलता है थोड़ा सा। ब्लैक पे जो रेड स्टिकर हैं काफ़ी बढ़िया स्टिकर हैं, और इसकी जो क्वालिटी की बात करूँ प्लास्टिक वगैरह की, काफ़ी सही यहाँ पर हमें प्लास्टिक वगैरह देखने को मिलती है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये एक लुक जो है वो बजाज का आ रहा है शुरू से, और अभी भी ये बाइक अपने को इंडियन मार्केट में देखने को मिलती है। टैंक कैप सेंटर में रहने वाली है, E20 का अपना यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है। बात करें इसकी कैपेसिटी की, तो 50 लीटर की टैंक कैपेसिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो गाइस इंजन जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो अपना 220cc का ऑयल कूल्ड इंजन। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं ऑयल कूल्ड का यहाँ पर हमें टैग भी मिल जाता है। पावर की बात कर लो तो 20.11 BHP की पावर है यहाँ पे 8500 RPM पे, और जो टॉर्क रहने वाला है वो 18.55 Nm का टॉर्क रहने वाला है अपने 7000 RPM पे। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर इंजन देखने को मिल जाता है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसका रेडिएटर, तो यहाँ पे हमें छोटा सा रेडिएटर देखने को मिलता है अपने इंजन को कूल करने के लिए। किकलेस रहने वाला है ये इंजन। अब बात करूँ यहाँ पर टेक्नोलॉजी की, तो DTSI यहाँ पर टेक्नोलॉजी दी हुई है, वही अपनी ओल्ड वाली, कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन ये इंजन अब अपना जो है अपने को E20 फ्यूल सपोर्ट के साथ मिलता है, अपना इंजन गार्ड वगैरह है, और इच्छा आप लोग देख सकते हैं फुटरेज वगैरह भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो साइड बिल्डर रहने वाला है
वो अपना कार्बन फाइबर फिनिशिंग बनाने वाला है इसका साइड पैनल, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एयर इनटेक वेंट भी दिए गए हैं जो कि अपने वर्किंग में रहने वाले हैं। तो ये कार्बन फाइबर जो ट्रीटमेंट इस पर है वो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये गाड़ी को लुक को और इन्हेंस कर दे रहा है। अब बात करें यहाँ पे अपने कवर पैनल की, तो 220 ऐप का यहाँ पे स्टिकर दिया गया है, साथ में यहाँ पे रेड स्ट्राइप और कार्बन फाइबर के स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। यही सेम अपना जो कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट है कवर पैनल की नीचे की तरफ भी हमें देखने को मिलता है। तो लुक वाइज काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमें बाइक देखने को मिलती है। डुअल सीट सेटअप यहाँ पर रहने वाला है और कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर सीट की जो फिनिशिंग वगैरह है कुशनिंग काफ़ी अच्छी यहाँ मिलती है हमें देखने को। अब बात कर लेते हैं इसके रियर टायर के, जो रियर टायर यहाँ पर दिया गया है वो है अपना 120/80/17, तो 17 इंच का अलावा हमें बैक में भी देखने को मिलता है। और सस्पेंशन के लिए यहाँ पर रियर में हमें मिल जाता है अपना 5-way एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स शॉप एग्जॉर्बर, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। सिंगल पिस्टन का डिस्क ब्रेक दिया गया है पीछे और ब्रेकिंग के लिए, लेकिन इस बाइक में हमें केवल सिंगल चैनल ABS मिलता है वो कि काफ़ी थोड़ा सा डुअल चैनल रहता तो काफ़ी अच्छा। यहाँ पे बड़ा सा यहाँ पे हमें मिल जाता है अपना एग्जॉस्ट जो कि आप लोग देख सकते हैं फुल ब्लैक डॉट में रहने वाला है, मैट ब्लैक में है, साथ में यहाँ पे कुछ सिल्वर टच से यहाँ पे इसको और अच्छा बनाने की कोशिश की है और ये काफ़ी सही लगता है इस बाइक के हिसाब से। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसकी टेल लाइट वगैरह, तो जो इसका बैक लुक रहने वाला है वो कुछ ऐसा है अपनी वही नॉर्मल वाली टेल लाइट देखने को मिलती है LED वाली, और ये जो लुक है वो काफ़ी अच्छा लगता है पल्सर का। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें मिल जाती है नंबर प्लेट की लाइट, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट और वही सेम इंडिकेटर हमें बैक में भी दिए गए हैं जो आगे की तरफ दिए गए हैं। इस साइड रहने वाला अपना साड़ी गार्ड और बाकी सब कुछ सेम है। तो यह है कुछ इस बाइक का लुक और जो ओवरव्यू है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका मीटर कंसोल, तो यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिल जाती है कार्बन फाइबर की फिनिश जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो ये पूरा कार्बन फाइबर फिनिश यहाँ पर हमें मिलती है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसे ऑन करके, देखने में तो काफ़ी बढ़िया ये है लुक इसका, काफ़ी हैवी बल्की लुक लगता है यहाँ से आप लोग देखेंगे तो, और काफ़ी अच्छा ये अपने सेगमेंट में परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे है ये इसका अपना जो मीटर कंसोल रहने वाला है वो इसी किस टाइप का है। इसमें नए फीचर अब आ चुके हैं जैसे कि इसमें अपने डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाने लगा है ओडोमीटर के साथ, आप लोग देख सकते हैं एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे मिल जाती है अपनी ट्रिप वाइज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जो कि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 1 है और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी अपनी 2 है जो कि ट्रिप के हिसाब से चेंज होती है। नीचे की तरफ आ जाना अपना डिस्टेंस टू एम्प्टी, इधर आ जाता है अपना स्पीडोमीटर जो कि काफ़ी सही है। अब यहाँ पर हम लोग को जो फ्यूल के लिए दिया गया है वो फ्यूल अपना इस साइड में आएगा पूरा इस साइड तक, तो ये काफ़ी अच्छा अपने को फ्यूल के जो यहाँ पे दिया गया है RPM मीटर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे इंजन टेम्परेचर लाइट, इंजन चेक लाइट और काफ़ी यहाँ पे लाइट्स हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये है कुछ, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ एक बार फिर से। साइड स्टैंड बैटरी लोवा वगैरह के यहाँ पे सिग्नल भी हमें देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर इस बाइक का लुक निकल करके आया है। बटन्स की बात कर लूँ तो यहाँ पर हमें एलिमिनेशन देखने को मिलती है और ये काफ़ी एक पल्सर में बहुत टाइम से आ रहा है एलिमिनेशन वाला सिस्टम, तो बटन तो बिल्कुल सिंपल से हैं अपने। इस साइड भी आप लोग देख लीजिए तो यहाँ पे अपना इंजन कुल स्विच वगैरह है और नीचे अपना सेल्फ, तो काफ़ी यहाँ पे सही जो है काम किया गया। फिनिश वगैरह बिल्कुल बढ़िया है, कहीं से कहीं तक हमें कोई दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो यह है कुछ इसका आप लोग देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके डायमेंशन वगैरह की, तो यहाँ पर जो हम लोग को इस गाड़ी का कर्व वेट है वो 160 kg है, सीट हाइट जो रहने वाली है 795 mm है और ग्राउंड क्लीयरेंस जो है वो अपना 165 mm का है। काफ़ी अच्छी लेंथी बाइक है ये अपनी 2035 mm की, यहाँ पे हमें लेंथ देखने को मिल जाती है, यहाँ पे अच्छा एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब आप लोग सुनिए इसका एग्जॉस्ट नोट, तो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी इंजन इसका रिफाइंड हो चुका है, अब 820 फिल्म को ये सपोर्ट करेगी। जो साउंड वगैरह है काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल सिंपल सी रिफाइंड साउंड मिलती है, इंजन नॉइस वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छा पैकेज है ये अभी भी अगर आप लोग इसको लेना चाहें। प्राइसिंग की बात कर लूँ गाइस, तो मैं प्राइसिंग जो इस बाइक की रखी गई है वो केवल और केवल ऑन रोड आपको पड़ेगी 1,68,000 में बरेली में, कमर्शियल बजाज पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। और जिसकी प्राइसिंग है वो इस प्राइस सेगमेंट में मुझे लगता ही नहीं है कि कोई 220 cc की बाइक यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बाइक कैसी लगती है और ये वीडियो कैसी लगी।